हाँ बैठे दो बैठे दो, यहीं कर लेते हो, कर ले थोड़ा सा दूर, यहाँ ही बस करके बैठा ले थोड़ा सा। अध्यक्ष जी आप शुरू कर लेना, अध्यक्ष जी शुरू करें, फोटो बाद में लेना जो शामिल हो रहे हैं, तो हम लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे सर, ठीक है, एक साथ जो इनके साथ हैं। ए इन्हें बैठो पाओ, पटेल जी को यहाँ कुर्सी दो, आगे आगे दो कुर्सी हैं। अच्छा ठीक है, फोटो आ जाओ सब लोग, हाथ बात उठा लें, आइए 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 सर, हाथ चलिए हाथ में। सब लोग हाथ उठा लीजिए, हैं आ जाओ, हाँ आगे आ जाओ, ठीक है, अब सीधे खड़े हो जाएंगे, तब ले लो फोटो, बिना हाथ उठाए, बिना हाथ उठाए। एक बार और कैसे हाथ उठा के, आइए आइए आइए, उन्हें आने दो, ये जो शामिल हो रहे हैं उन लोगों, शामिल हो रहे हैं, आ जाओ चलिए, थैंक यू है, थैंक यू सो मच, चलिए थैंक यू, शुरू करने का समय पत्रकार भाइयों, मुझे सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आवाज कम कर दो भाई, माननीय अखिलेश यादव जी के मजबूत नेतृत्व पर लगातार लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और समाजवादी पार्टी में बड़ी तादाद पर लगातार लोग शामिल हो रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं वो नाम आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। श्री प्रमोद कुमार मौर्य, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतापगढ़, श्री सत्यभान सिंह साक्य, पूर्व लोकसभा प्रभारी बसपा एटा, श्री राहुल कुमार मौर्य, पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी अमेठी, श्री राजेंद्र कुमार मौर्य, अध्यक्ष जिला युवा व्यापार मंडल देवरिया, श्री वीरेंद्र कुमार मौर्य, पूर्व जोनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी फैजाबाद मंडल, श्री जितेंद्र कुमार मौर्य रायबरेली, श्री राधेश्याम सरोज जिला पंचायत सदस्य इलाहाबाद, श्री राघवेंद्र सिंह चौहान जिला पंचायत सदस्य प्रतापगढ़ जी, ये सब बहुजन समाज पार्टी से, नहीं नहीं बीच में थोड़े दिन भाजपा में थी, नहीं जैसे सत्ता नहीं नहीं हाँ जी जी जी, बाद में बता देना, बाद में पूरा। श्री ज्ञान प्रकाश मौर्य पप्पू, बाद में बता देना पूरा, बदलापुर जौनपुर, श्री लाल बहादुर सरोज प्रतापगढ़, श्री रमेश मौर्य जौनपुर, श्री लाल बहादुर मौर्य जौनपुर, श्री रमाशंकर मौर्य प्रतापगढ़, श्री दशरथ मौर्य अध्यक्ष कुशवाहा महासभा देवरिया, श्री मनोज कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मोदी विचार मंच, श्री सर्वेश मौर्य वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता सलेमपुर देवरिया, श्री मोनू कुशवाहा युवा छात्र नेता जिला देवरिया, श्री राजकुमार मौर्य ब्लॉक प्रमुख अमेठी, श्री रामयज्ञ मौर्य प्रधान मोचवा अमेठी, श्री राजेश कोरी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अमेठी, श्री मकबूल खां अमेठी, श्री विनीत साक प्रधान ताजपुर एटा, श्री वीरेंद्र साक अध्यक्ष साधन सहकारी समिति एटा, श्री बेचेलाल साक नगर अध्यक्ष साक समाज एटा, श्री रिंकू साक एटा, श्री अमर सिंह साक एटा, श्री विनोद कुमार मौर्य इलाहाबाद, श्री पप्पू मौर्य इलाहाबाद, श्री राजन कनौजिया
अध्यक्ष धोबी महासभा बलिया, श्री मनोज कनौजिया बलिया, श्री राजेश राजभर बलिया, श्री बेचन निषाद महाराजगंज पूर्व प्रत्याशी फरेदा, श्री ब्रजलाल पासी गोरखपुर। श्री कांता प्रसाद पटेल जिला अध्यक्ष अपना दल प्रतापगढ़। श्री राधेश्याम विश्वकर्मा प्रतापगढ़। श्री राम नरेश मौर्या प्रतापगढ़। श्री राम केवल पटेल प्रतापगढ़। श्री प्रदीप सरोज प्रतापगढ़। श्री चंद्रपाल पटेल प्रतापगढ़। श्री बाबूलाल पटेल प्रतापगढ़। श्री राम कुमार राजकुमार वर्मा प्रतापगढ़। ये प्रमुख नेतागण हैं जिनकी सूची मैंने आपके सामने रखी, और इनके साथ सैकड़ों लोगों ने आज समाजवादी पार्टी के सदस्यता ग्रहण की है, वो मैं आपके सामने सूचित कर रहा हूँ। अब मैं अनुरोध करता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं आमंत्रित करता हूँ श्री प्रमोद कुमार मौर्य पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतापगढ़ को कि वो आप के सामने अपनी बात रखें। उत्तर प्रदेश सरकार की सामंतवादी नीतियों से के विरोध में हमारा समाज जो अपने को भारतीय जनता पार्टी सरकार में उपेक्षित महसूस कर रहा है, और हमारे समाज के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से वो हमारे नेता और हमारे समाज की उपेक्षा कर रहे हैं। उस उपेक्षा के कारण हम लोगों ने जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के विकास को एक नई गति देने का कार्य किया है, उससे प्रभावित होकर के समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहेंगे, पिछले लोकसभा के चुनाव में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी में थे, और उनकी नेता सुश्री बहन मायावती जी ने उनकी उपेक्षा किया, और उसका परिणाम हमारे समाज ने दिया कि बहुजन समाज पार्टी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बहुजन समाज पार्टी में होते हुए भी 0 सीट पाई थी। उसी प्रकार की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी द्वारा माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की जा रही है, जिसका हमारे समाज में प्रतिक्रिया स्वरूप अब माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज 6 जिलों के हमारे समाज के लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अभी नहीं, सवाल बाद में पूछना भाई जी, अभी कह लें दो सवाल बाद में। नहीं नहीं जी, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की उपेक्षा करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में एक न एक दिन चले आए जी। नहीं, मैं माननीय स्वामी जी के कहने पर नहीं शामिल हो रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि स्वामी प्रसाद मौर्य ही हमारे समाज के नेता थे और उनको नेता मानता था हमारा समाज। बहन मायावती जी ने उनकी उपेक्षा किया, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा पद बड़ा उन्होंने उनको दिया था, नेता विरोधी दल का पद दिया था, पद देने के बाद उपेक्षा किया, और वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही, मंत्री बनाने के बाद उनकी उपेक्षा कर रही है, उनकी उपेक्षा से आहत हैं। हमारा समाज शोषित है, पीड़ित है, हत्याएं हो रही हैं। कल एक हमारे समाज का व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया जी, एक मिनट कह लेने दीजिए। देवरिया में कुशवाहा की हत्या हुई, देवरिया में कुशवाहा की हत्या हुई, दो हत्याएं हुई, FIR दर्ज नहीं हुई। जौनपुर में संजय मौर्य की हत्या हुई, आज तक हत्यारे पकड़े नहीं गए। हमारे समाज का ही एक व्यक्ति कल पेड़ पर चढ़ गया। सर, आपके समाज के
जी देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे समाज के नेता नहीं थे, वो जी मौर्य होने से कोई नेता नहीं होता है। मैं बता दूं आपको, मैं जी जी मैं कि कोई कोई एक जात विशेष का होना नेता का नेता की परिभाषा नहीं है। माननीय केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम थे, अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, उनके घर पर जहां से वो विधायक थे सिराथू में, उनके वार्ड में भारतीय जनता पार्टी हार गई और उनका चेयरमैन सिराथू का हार गया भारतीय जनता पार्टी का, और लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है फूलपुर में, वहां भी भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। नेता नहीं है वो जो अपना सभासद न जिता पाए सरकार में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए जो अपना चेयरमैन न जिता पाए, वो नेता कैसे हो सकता है? इस समय हमारे समाज के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जी। अच्छा चलिए बस खत्म हो गया, चलिए स्वागत हम करेंगे तुम्हारा। एक और ये है कोऑपरेटिव अध्यक्ष है ना जी, एक मिनट और बस, फिर एक मिनट और। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और जिला देवरिया के, एक मिनट ये बोल देंगे, एक मिनट अपना बता देंगे, अपना परिचय दे देंगे। राजेंद्र कुमार मौर्य देवरिया। राजेंद्र कुमार मौर्य, मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा का संयोजक रहा हूँ, अभी इसके पूर्व वक्ता प्रमोद, चले चले से बोलिए, बोलिए आवाज आ रही है आवाज। अभी इसके पूर्व वक्ता हमारे प्रमोद मौर्य जी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खास भतीजे हैं, और मैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ बहुजन समाज पार्टी में पूर्ण बहुमत की सरकार अपने समाज के साथ साथ पिछड़े वर्गों के साथ जोड़ के बनाई थी, लेकिन अभी माननीय प्रमोद मौर्य जी ने आपको बताया है कि कुशवाहा समाज और पिछड़े वर्ग की घोर उपेक्षा के चलते माननीय मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन पूरे प्रदेश का रिजल्ट जीरो आया। बड़ी आशा के साथ समाज देख रहा था कि मौर्य जी कोई कदम उठाते हैं, लेकिन भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साजिश के तहत उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया गया, और चूंकि हमको उनको नेता मानते थे, इसी क्रम में हम लोगों ने अपने समाज के साथ साथ बैकवर्ड समाज को जोड़ के मुझे भी प्रदेश में जाने का अवसर मिला उनके साथ। प्रदेश के हर गांव, जिले से लेकर गांव तक, समाज से लेकर बैकवर्ड समाज की गरीबी को मैंने देखा है। बड़ी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोगों ने बनाई, लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार की 4 वर्षों की, प्रदेश सरकार की 1 वर्षों के कार्यकाल से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग की विरोधी और कुशवाहा समाज की घोर विरोधी है। इसी क्रम में हमारे समाज को लोगों ने कहा किसी न किसी को आना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी में। जो हमारी रहनुमाई करते हैं वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। हमारी बात हुई माननीय प्रमोद मौर्य जी से, इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जगह भाजपा और बसपा में नहीं है, हमको पिछड़ों की पार्टी समाजवादी पार्टी में जाना चाहिए। माननीय नेताजी आपके संपर्क में, आप युवाओं की धड़कन है। माननीय प्रमोद मौर्य के नेतृत्व में आपने कहा कि नहीं, आप उन्हें बुलाए, आपके बुलाने पे मैं आपसे मिला अभी 1 हफ्ता पहले। मैंने कहा कि हम लोग सरकार में हैं, मंत्री का मैं सबसे नज़दीकी हूँ, प्रमोद मौर्य तो उनके भतीजे ही हैं, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो जहाँ हैं वहाँ ठीक हैं। लेकिन प्रमोद जी ने कहा कि नहीं, एक बार नेताजी से आप मिल लीजिए, आप ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें, हम लोग तो चाहते ही हैं कि कोई स्थिति बने। मैं माननीय नेताजी से मिला, नेताजी से मिलने के बाद मैं प्रभावित हुआ कि जो भी यह प्रोपगंडा फैलाया गया कि पिछली सरकारों में क्या हुआ, हमको लगा पिछड़े समाज कुशवाहा समाज की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी समाजवादी पार्टी है, और आपसे प्रभावित होकर मैं जाके अपने जिले में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अपने पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया से लेकर और जिले और प्रदेश से हमारे पास इतने फोन आए हैं, माननीय नेताजी को मैंने बताया, इतने फोन आ रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है, मुझे हिम्मत मिलती जा रही है। मैं आश्वासन दिलाता हूं कि माननीय नेताजी आपका निर्देश होगा, हम लोग पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाके कुशवाहा समाज के साथ साथ पिछड़े वर्गों को जोड़ने का काम करेंगे। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं, जय समाजवाद। बहुत धन्यवाद। सम्मानित
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व और सभी पत्रकार बंधु, मैं प्रतापगढ़ का मूल निवासी हूँ, कुर्मी समाज से ताल्लुक रखता हूँ और मैं विद्यार्थी जीवन से प्रतापगढ़ में जो सामंतशाही और राजाशाही और इस अंधेरगढ़ की हरी बेगार के खिलाफ पूरे जीवन लड़ता रहा और अपना दल में लगातार काम करते हुए मैंने संगठन को बड़ा पूरे जिले में 6 साल जिला अध्यक्ष रहा। लेकिन जब ये लोग जो है उससे जा करके वो गाय के जो राष्ट्रीय माता बना रहा उसके साथ चले गए, उसको राष्ट्रीय माता के वाले में ये भाजपा को सपोर्ट कर रहे, तो हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं है कि गाय गोरु गंगा और मंदिर बेमतलब का जो मुद्दा लिए हो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और दवा की गारंटी का समाज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, ये निश्चित रूप से हम लोग विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रदेश में और देश में आपके नेतृत्व में गवर्नमेंट बनेगी। मैं पूरी जिंदगी आपके नेतृत्व स्वीकार करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से किसान विरोधी गरीब विरोधी है उस और उसका सफाया होने जा रहा है। गाँव में फसलें चराई जा रही हैं, गाय को राष्ट्रीय माता कह रहा है और उसके पिताजी गांव-गांव में घूम करके मरी जा रहे हैं। हाँ, यही हो रहा है। मैं धन्यवाद और ज्यादा नहीं बोल रहा। सही बात कह दी आपने, ठीक है। आइए तो ये अमेठी का बोल है, बहुत शॉर्ट समाज पार्टी से अमेठी से चुनाव लड़े राहुल, एकदम सही बोला। और जी को आमंत्रित करता हूं, पुराने नेता है, पुराने नेता यही खड़े होकर बोल दूंगा, बहुत शॉर्ट में। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया प्रभारी का, पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी हमारे दोनों बड़े भाई हमारे समाज की हो रही अपेक्षा को आपके बीच में बताया, उसके साथ में मैं आपके बीच में इसी का एक शब्द आपको निकाल करके बताना चाह रहा हूं। आज हम लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहुत समाजवादी पार्टी में काम करने का मौका मिल रहा है, तो एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, कह देना चाह रहा हूँ कि इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि मौर समाज का बेटा, मौर समाज के लोग अगर किसी के घर में, किसी के द्वार पर अगर नौकरी करते हैं तो उसकी चार पुष्प उसकी ईमानदारी को याद करती है कि मौर समाज के आदमी कितना ईमानदार है। और जिस प्रकार से हमारी ईमानदारी की पहचान बनी है, आने वाले समय में हमारी ईमानदारी का हमारा जो स्रोत है वो माननीय अखिलेश यादव जी को मिलने वाला है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस 2019 के लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर इस प्रदेश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मैं आपको ये बता देना जाना चाहूँगा। ठीक है, अरे ठीक है, प्रदेश से कोई बात नहीं, हिंदी ठीक कर देंगे हम लोग। बोलो चेयरमैन, एक मिनट बोल देना है। मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, सामने बैठे सभी हमारे पत्रकार बंधु, हमने भी, मैं एटा से हूँ, सत्यवान सिंह शाक्य, मैंने भी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में 15 साल बहुजन समाज पार्टी में कार्य किया। लेकिन जब हमारे बाबूजी भारतीय जनता पार्टी में गए तो हमने भी कई जगह उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन हमारा समाज पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला। लेकिन जब सरकार बनी तो हमने देखा कि आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी ना, उसका एक डायलॉग है, हमको उसी तरीके से डील किया गया कि छोटी गंगा बता के नाला में बता, कंफर्ट को हमारे साथ हो गया। लेकिन जब मैंने देखा नाले में पड़े हैं तो हमारे समाज के लोगों के साथ मेरी बैठकें होती थी तो लोगों ने कहा कि भाई साहब अब बहुत हो गया बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, मेरा मानना यह है कि माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आगे कोई समय आएगा तो देखूंगा,
उस टाइम हमारे भाई प्रमोद मौर्य जी का टेलीफोन पहुंचा हमारे पास की ऐसे ऐसे बात है, कहने का मन तैयार है। मेरे बड़े भाई इधर अजय यादव जी बैठे, इनसे हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा मैं तो आ गया, भैया तुम भी आ जाओ तो और भी बल मिलेगा। मैंने कहा ठीक, मैं भी आऊंगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात होती है, कल भी हमारे यहाँ कई छापे मारे गए, कई लोग आए कि भाई साहब आपने ये क्या कहा, ये क्या कर डाला। मैंने कहा ये मैं तुम्हें 2019 में बताऊंगा मैंने ये क्या कर डाला, और 2022 में आपको आपकी औकात बता दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पर्चे दे दो बस अपना। आज मैं समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ, इसके पहले मैं बहुजन समाज पार्टी में बूथ स्तर से लेकर के मंडल के पदाधिकारी रहा हूँ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो उनका मिशन कभी दूसरा था, अब उनका मिशन दूसरा हो गया। बहन जी कहती है कि यहाँ धंधा सीटों की जरूरत नहीं, लेकिन टिकट में चाहे राज्यसभा का टिकट हो चाहे विधान परिषद का टिकट हो, जो भी टिकट है वो धंधा सीटों को भी मध्यम हफ्ते दे करके उन्हें भेजती है। और हम जैसे कार्यकर्ताओं की वहाँ पे कोई अहमियत नहीं रह गई, कोई वैल्यू नहीं रह गई, क्योंकि हम लोग जमीनी कार्यकर्ता है। मैं उससे आहत होकर के मैं समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार में रहे श्री अखिलेश यादव जी तमाम अच्छी योजनाओं को उन्होंने लाया, उससे उनके कार्यों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और इनके नेतृत्व में जिस तरह से मैं बसपा में ईमानदारी से काम किया करता था, उसी तरह से मैं समाजवादी पार्टी में पूरी तरह ईमानदारी से काम करूंगा, और इनके बताए गए दिशा निर्देश पर जो भी इनका दिशा निर्देश होगा मैं इनके अनुसार काम करूंगा, और आने वाले सभी चुनाव में कंधे से कंधा मिला करके समाजवादी पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैं इस मौके पर सबसे पहले प्रमोद कुमार मौर्य जी, जो प्रतापगढ़ से जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, मैं इनका समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं और इन्हें बधाई देता हूं। साथ ही साथ सत्यवान सिंह साकी जी, जो पूर्व में लोकसभा प्रभारी रहे, वो भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राहुल कुमार मौर्य शामिल हो रहे हैं, राजेंद्र कुमार मौर्य, वीरेंद्र कुमार मौर्य, जितेंद्र कुमार मौर्य, राधे श्याम सरोज जी से लेकर के बड़ी संख्या में जो ज़मीनी नेता रहे, जो गांव, गरीब और किसान की तमाम चीज़ों को समझते हैं और लगातार कहीं ना कहीं जनता के बीच में जुड़े लोग हैं, ऐसे साथी आज हमें मिले हैं। मैं इन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ प्रतापगढ़ के कामता प्रसाद पटेल जी और उनके बहुत सारे सहयोगी साथी हैं, राधेश्याम विश्वकर्मा, राम नरेश मौर्य, बड़ी संख्या में जो साथी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और लगातार समाजवादी पार्टी का प्रयास रहेगा, जो ज़मीनी लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो समाज को, प्रदेश को, देश को एक साथ आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उन तमाम साथियों को लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ती रहेगी। उन साथियों का सम्मान भी करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। मुझे खुशी है इस बात की, रिश्ता तो अपने आप बनता है,
और रिश्ता अच्छा भी है इनका, वो तो एक पहचान है। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कम उम्र के लोग हैं, और कम उम्र के होने के नाते ये समाजवादी आंदोलन में हमारे साथ बहुत लंबा काम करते रहेंगे, बहुत लंबे संघर्ष में हमारे साथ रहेंगे। जब तक जोड़ेंगे नहीं तो पार्टी बढ़ेगी कैसे? इसलिए समाजवादी पार्टी का ये प्रयास रहा है और रहेगा कि हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ें, और जो उपेक्षित हैं, जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा, गरीब किसान आबादी की बड़ी संख्या में लोग हैं, उन्हें आखिरकार कैसे आगे बढ़ाएं? सोचो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, देश की खुशहाली की बात हो रही हो, देश में तरक्की की बात हो रही हो, किसान को सब कुछ दे दिया, बजट से भी मिल गया, बातों से भी मिल गया, और ऐसे सपने दिखा रहे हैं बीजेपी के लोग कि न केवल निराश हो रहे हैं वो लोग, दुख पैदा उनके अंदर हो रहा है और कष्ट है उनके अंदर, और उसी का परिणाम है, आपने देखा होगा कि एक किसान पेड़ पे चढ़ गया आकर के, पेड़ पे इसलिए कि वो उसका कर्ज माफ नहीं हुआ। शायद बीजेपी के लोग तो भूल गए होंगे इस बात को कि बीजेपी ने कुछ चुनाव में भी कहा होगा, पूरे चुनाव में बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, कर्ज माफ होगा, हमारी सरकार बनाइए कर्ज माफ हो जाएगा, किसान का कर्ज माफ अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये हर जगह बोला है भारतीय जनता पार्टी ने, समझाया लोगों को, गांव गांव जाकर के समझाया, बजट में भी पैसा रखा। अब तो दूसरा बजट आ गया, केंद्र सरकार के पांचों बजट आ गए, बताओ किसानों का कितना कर्ज माफ हुआ है, बैंकों ने कितना कर्ज माफ कर दिया। अब तो शायद उत्तर प्रदेश और देश की बैंक के लोग किसी किसान के घर नहीं जा रहे होंगे, किसी किसान से पैसा भी नहीं मांग रहे होंगे। ये बीजेपी के लोगों ने चमत्कार किया, प्रचार किया, अब तो शायद किसानों का कर्ज माफ हो गया होगा, अब तो कोई किसान कर्ज में डूबा ही नहीं होगा, और जिन पे कर्ज भी होगा वो एक कागज के पन्ने से जितना चाहेंगे वो बैंक का लेके चले जाएंगे। कागज का एक टुकड़ा लाइए, बैंक को दिखाइए, और जो चाहे जितना धनराशि चाहिए वो लेकर के चले जाओ। लेके चले गए, अब तो हो गई पंजाब नेशनल बैंक कैशलेस, कभी भी बची है। अगर पंजाब नेशनल बैंक कैशलेस न रही हो तो शायद एक पर्चा और कोई लेकर के पहुंच जाए। हम तो अब इस किसान को कहेंगे कि तुम भी कोई पर्चा लिखवा लो, पंजाब नेशनल बैंक चले जाओ तो शायद तुम्हें लोन मिल जाएगा और तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा, तुम्हें पेड़ पे नहीं चढ़ना पड़ेगा, पुलिस और प्रशासन को आपके बेटे को नहीं लाना पड़ेगा आपको उतारने के लिए। ये है डिजिटल इंडिया, ये भारत, ये देश, बताओ कितना अच्छा देश है। ये जो इन्वेस्टरों के लिए इतने होर्डिंग लग रहे हैं, होर्डिंग के ऊपर होर्डिंग, कोई जगह छूटे नहीं होर्डिंग, अच्छी बात है, उनका स्वागत हो, सम्मान हो, और हम तो कहते हैं सरकार के सब लोगों को चला जाना चाहिए, एयरपोर्ट से ही उनके लिए कुछ बग्गी बनवा लेनी चाहिए, कुछ अच्छा इंतजाम करना चाहिए एयरपोर्ट से ही, क्योंकि अगर एयरपोर्ट भी नाराज हो गए तो कहीं दूसरी फ्लाइट लेके चले गए तब, इसलिए कम से कम आ तो जाएं। अरे हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कौन सा इन्वेस्टमेंट आ रहा था जो हमारी दुकानें बंद कर दी बाहर, जो झंडा बेच रहे थे, जो पार्टी कार्यालय के सामने झंडा वंडा थोड़ा काम कर रहे थे, यहाँ कौन सा इन्वेस्टमेंट आ रहा है? यहाँ कोई इन्वेस्टर थोड़ी आएगा, यहाँ तो प्रमोद मौर्य आ सकते हैं हमारे साथ, यहाँ कौन इन्वेस्टर आएगा? तो दुकानें ही बंद कर दी, बाटी चोखा भी नहीं बिकेगा, नूडल्स नहीं बिक सकते, आइसक्रीम नहीं बिक सकती, ठेला नहीं लग सकता। ये धोखा सरकार किसको दे रही है? ये जितने इन्वेस्टर होते हैं, बहुत समझदार होते हैं,
कई जगह समिट में जाते हैं, अगर कहीं मैग्निफिसेंट वो जो महाराष्ट्र में था वो हुआ होगा तो वहाँ भी गए होंगे, आसाम में भी गए होंगे, वेस्ट बंगाल में भी गए होंगे, कर्नाटक में भी गए होंगे, तो उन्हें सब पता है स्टेटों के बारे में, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो अपनी सड़क के इतने होर्डिंग पोस्टर नहीं लगाए होंगे जितने इस सरकार ने लगा दिए। मैं उस दिन आ रहा था लौट करके चक गजरिया की तरफ से, कोई खम्मा नहीं बचा जिस पर एक्सप्रेस वे ना लगा हो। हम बधाई देना चाहते हैं सरकार को कि उन्होंने बहुत अच्छा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया है। हम बीजेपी के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आपने बहुत सुंदर बनवाया है, बहुत अच्छा बनवाया है, आपको बहुत बहुत बधाई, इसी बहाने शायद कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाए। इसलिए हमारी पार्टी की कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जो कार्यकर्ता हैं ज़मीनी लोग हैं और जो जुड़ना चाहते हैं इस प्रदेश की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, और ख़ासकर किसान, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों के लिए, जो हमारी महिलाएं उनके लिए, तो हम ऐसे लोगों का स्वागत करेंगे। और जो राजनीतिक सम्मान अगर समाजवादी पार्टी को देना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी इनको राजनीतिक सम्मान दे करके भी और इनको सम्मान दे करके आगे बढ़ाने का काम करेगी। मुझे खुशी है इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, बड़ी संख्या में साथी बाहर भी हैं जो इनके साथ जुड़े हैं, अंदर आना संभव नहीं था, सब नहीं बैठ सकते थे, इसलिए मैंने उन्हें बाहर ही रखा है, इसके बाद उनसे भी मिलेंगे। और ये सिलसिला जो पार्टी में जोड़ने का है, लाने का है, ये लगातार हमारा चलता रहेगा। भाई बिना कैंडिडेट के चुनाव कैसे होगा? कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जो आप प्रयास कर रहे थे लगातार विपक्षी एकता के चुनाव को माना जा रहा था, आप प्रयास कर रहे थे, हर मन से आप ये बात कह रहे थे कि इस तरह का कुछ होना चाहिए। उपचुनाव जो दोनों हो रहे हैं, बहुत कुछ जनता उसमें निर्णय लेगी, गोरखपुर की जनता भी और आपके फूलपुर की भी जनता, और हमारे दोनों लोकसभा की जनता से अपील भी है, निवेदन भी है और उनसे सहयोग भी मांग रहे हैं कि अब तो दिल्ली के 5 बजट देख लिए हैं और उत्तर प्रदेश के 2 बजट देख लिए हैं, अब तो बीजेपी पे कुछ दिखाने के लिए बचा ही नहीं होगा, अब तो 19 को चुनाव आ जाएगा, इसलिए हमारी मदद करें वहाँ के लोग। नहीं, 1090 पे हटा दिया, वो भी मुझे चिंता है। नहीं नहीं, उसकी मैं उसमें एक हालांकि एक शेयर कर लूँ जोक आपसे, हालांकि वो बात नहीं कहनी चाहिए मुझे, लेकिन जहाँ तक पकौड़े की बात है, अच्छी बात है कोई बीजेपी का आदमी अच्छा बना के दिखाए कि आखिरकार अच्छे पकौड़े कैसे बनते हैं। हमारे पकौड़ों का स्वाद तो नहीं ना अच्छा लगेगा उन्हें, हमारे समाजवादी पकौड़े होंगे, कांग्रेस बनाएगी तो कांग्रेसी पकौड़े होंगे, बहुजन समाज पार्टी होती बहुजन समाज पार्टी पकौड़े होंगे। हम चाहते हैं बीजेपी के पकौड़े कैसे हैं वो हमें बताएं, और नहीं है हम तो उनसे निवेदन करेंगे हमारे पार्टी कार्यालय के सामने अपना एक ठेला लगा दें जिससे हमें पकौड़े खाने को मिल जाए, और अगली प्रेस अगर हो तो हम वहीं से पकौड़े लें और आपको भी पकौड़े खिलाएं। चुनाव वाली बात कह दी हमने, इलाहाबाद और फूलपुर की जनता से अपील कर दी मैंने कि हमारी मदद करें। अच्छा, आपको इतनी क्यों चिंता, हमें बीजेपी के बता दो कौन है, हमारे दोनों की पता हो जाए कि बीजेपी ने भी नहीं तय किया अभी। अभी तो बीजेपी उलझी हुई है, कुछ बैंक से पैसा चला गया है, वो ज़्यादा नहीं गया, थोड़ा बहुत ही गया है, उसी में उलझी हुई है बीजेपी। मैंने आपसे और कई मौक़ों पर कहा और फिर मैं कहता हूँ, बीजेपी भ्रष्टाचार खत्म करेगी कि नहीं करेगी ये सवाल बड़ा है। नोटबंदी का कितना प्रचार हुआ था, नोटबंदी का इतना प्रचार हुआ कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, और क्या
ये सच्चाई नहीं है कि नोटबंदी के बहाने न जाने कितने लोगों ने काला सफेद कर लिया होगा। ये तो एक कागज से निकली चीज, एक कागज आ जाए तो बैंक कितना पैसा दे देगी, और हमारा गरीब अगर पेड़ पे भी लटक जाएगा और फांसी दे देगा तो उसका कर्ज माफ नहीं होगा। जनता देख रही है, मैंने कहा जनता देख रही है, सब समझ रही जनता। और हमारे एटा के चेयरमैन रहे हैं वो उस जिले में एक जगह पर, उन्होंने ठीक कहा कि कुछ बताया और कहीं कुदा दिया। बीजेपी ने कहा कि हम 15 लाख रुपए देंगे, अकाउंट में आए नहीं, उन्होंने कहा हमने कहा ही नहीं कभी, उन्होंने कहा हम नौकरी दे देंगे। और फिर ये जो बजट आया है, कम से कम बीजेपी के लोग बताएं तो सही एक्सप्रेस वे होता क्या है। फिर एक्सप्रेस वे बनना है, बड़ा बनना है, नकल भी करनी है, वैसा ही बनाना है, उससे अच्छा भी बनाना है, तो कैसे बनेगा? 1,000 करोड़ रुपए बन जाएगा क्या? और हमने तो कहा कि बीजेपी ने हमें नई पहचान दे दी, क्या आप बैकवर्ड हो, आप पिछड़े हो, आप कुछ नहीं जानते, तो कम से कम हमने उनसे कम समय में सड़क बना दी, आप अगड़े हो, फॉरवर्ड हो, तो हमसे जल्दी बना के दिखा दो सड़क, क्यों नहीं बनाते हो आप? किसने रोका है पूर्वांचल को? कल मैं गाजीपुर गया था, जिस सड़क को मैंने दिया था, जिस सड़क को मैंने दिया, बीजेपी के लोग एक नई सड़क बताते हैं, अखबारों में पढ़ने को मिलता है बीजेपी के लोग एक नई सड़क बनाना चाहते हैं, नई तरीके की सड़क है जो 3 पीढ़ी में चलेगी, सड़क 3 पीढ़ी वाली सड़क, और हम जो बना रहे थे 4 पीढ़ी वाली सड़क, उसमें बजट ही नहीं दिया। जो गाजीपुर में तालीघाट और 12 रोड है, वो हमने RCC दी, सीमेंट कॉन्क्रीट CC रोड दी, तो उनकी 3 पीढ़ी तक चलने वाली सड़क है। हमारी सड़क पे इसलिए नहीं पैसा दिया जा रहा क्योंकि वो 4 पीढ़ी चलेगी। इसी तरह बलरामपुर को जोड़ने वाली गोंडा से ये सड़क बनाना चाहते हैं 3 पीढ़ी तक सही चले, हम बना रहे हैं 4 पीढ़ी वाली, उस पर भी बजट नहीं दिया। तो अगर हम 2 पीढ़ी की बनाएंगे तो बजट देंगे कि नहीं देंगे ये बताओ, अब तो हमारे हाथ में नहीं है कुछ। तो धोखा देना नहीं आता है, ध्यान हटाने आता है। इंतजार करिए, ये जो घोटाला चल रहा है इसके बाद कोई ऐसी चीज आएगी हम आप सब लोग भूल जाएंगे। देखिए इस देश के और खासकर प्रदेश के लोग और नौजवान काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं। बीजेपी गुमराह कर रही है उनको भी, और उन्होंने सपना दिखाए, बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन सपने पूरे नहीं हुए। अभी तो 130 करोड़ लोग हैं, गांव में चले जाइए, खड़ा करवा लीजिए हाथ, 90% लोगों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, ये हालत और बिगड़ेगी। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने न देश को दिशा दी, और समाज के अंदर जो जहर और खाई बोई है वो संकट पैदा करेगी समाज और देश के लिए। पुलिस पैसा ले रही है कि पुलिस को पैसा मिलेगा? 100 नंबर बदनाम कर दिया है सरकार ने। हम तो जानना चाहते हैं कि 100 नंबर और 1090 पे कितना बजट दिया है, जो सही मायने में महिलाओं बेटियों की मदद करने वाली योजना थी। 1090 के पे बजट क्या है? 100 नंबर सबसे बेहतरीन व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को और अच्छा किया जाएगा तो और मदद मिल सकती है आम लोगों को। कानून व्यवस्था नहीं ठीक होगी क्योंकि बीजेपी के लोग कानून व्यवस्था ठीक नहीं करना चाहते, वो कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं। अभी सुनने में आया है फिरोजाबाद में पुलिस पर हमला हुआ है, पुलिस पे हमला हुआ है, न जाने कितनी जगह पुलिस पिटी है, बरेली में पिटी है पुलिस, और ये कहते हैं कि इनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इनकाउंटर की परिभाषा क्या है,
कई वरिष्ठ अधिकारियों से हमने भी बातचीत की। इनकाउंटर हम तो केवल ये जानना चाहते हैं कि लखनऊ में बीजेपी के पूर्व विधायक के बेटे की उसके घर पे हत्या हो जाए, लेकिन जिस अपराधी ने किया वो काम उसका इनकाउंटर नहीं होगा। एक अपराधी 9 गोलियां चलाएगा, टीवी पर रिकॉर्डिंग है, 1, 2, 3, 4 गोलियां, 5 गोलियां, 6, 7, 8, 9 गोलियां, लेकिन उसका इनकाउंटर नहीं होगा। खाना खाने गया कोई, छोटा झगड़ा हो गया, उसने पीट पीट करके मार दिया, लेकिन उस अपराधी का इनकाउंटर नहीं होगा। जितेंद्र यादव नोएडा का, घर से आ रहा है, कहीं शादी से आ रहा है, कहीं जा रहा है, पुलिस इसलिए इनकाउंटर कर रही है क्योंकि प्रमोशन उसको मिल जाए। और डीजीपी पूछते हैं कि इनकाउंटर करके आयो कि नहीं आयो, इन करके ये भय पैदा कर रही है सरकार। लेकिन मुझे खुशी है उत्तर प्रदेश की जनता में, जनता में जो नाराजगी है, जिस समय वोट डालने का मौका मिलेगा इस जनता को, वो बताएगी नाराजगी क्या है। इसलिए ये धोखा दे रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, कहते हैं ये संस्थाएं क्या हैं, जो विधान परिषद है वो संस्था नहीं है कोई, क्या सदस्य नहीं मांग कर सकते सीबीआई हो जाए जांच, क्यों सरकार पीछे हट रही है। और हमारे एक दलित को मार दिया था, पुलिस ने मार दिया दलित को, बताओ ऐसी कितनी घटनाएं मैं गिनाऊं आपको। कहां गया रोमियो और वो एंटी रोमियो स्कैट, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ जो घटना हो रही, और किसान इनकी आंख खोलने के लिए मुख्यमंत्री आवास के पास आ गया। अगर अब भी आंख नहीं खुल रही सरकार की तो कब आंख खुलेगी। ये बजट के झूठे आंकड़ों से नहीं आंख खुलने वाली, ये बजट कोई बजट है, ये कोई गरीबों के लिए बजट नहीं है, ये महिलाओं के लिए नहीं है बजट कुछ। अरे लैपटॉप तो चलाना नहीं जानते, क्यों देंगे लैपटॉप। अब वादा छोटा छोटा लैपटॉप पे गया, हम पे तो हमने तो लैपटॉप बांट बांट के हम थक गए। हम पे ये आरोप लगाया कि हमने तो यादवों को केवल लैपटॉप दिया। ये एक्सप्रेस वे बनाया क्या, यादव की लेन अलग है क्या कोई वहां। आप में से बहुत सारे लोग चले होंगे, कहीं आपको दिखी हो यादव वाली लेन तो बता दो हमें। लेकिन अब गाय का स्थान क्या है, जेल। बताइए गाय माँ को जेल भेज रही है लोग, गाय माई ने ठीक करेगी देख लेना आप। और जो गाय माँ के परिवार के लोग हैं वो किसानों को थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे, लेकिन किसान इन्हें ठीक कर देंगे। कौन सुरक्षित नहीं है, अब उस पर हमारा चिंतन नहीं है कुछ। उस पर मेरी अभी भी मांग है कि बैलेट से नहीं, वो बैलेट जो है उसी से वोट पड़ना चाहिए। ईवीएम पे अभी भी लोगों को भरोसा नहीं है, अभी भी पैट आ गई है, शायद कुछ थोड़ा बहुत भरोसा होगा, लेकिन हमारी मांग वही है कि बैलेट से वोट पड़ेगा तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। हम तो कह सकते हैं दलों से राय बना सकते हैं, हम जनता में भी कह सकते हैं राय बनाने के लिए, तो निर्विरोध हो गए तब क्या करेंगे हम और आप। हम कर दें अगर आपका सुझाव मान लें तो बीजेपी की तो प्रसाद बांटेंगे वो तो। हम छोटे दलों से सहयोग जरूर मांगेंगे कि इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। और जो यहाँ से एक सवाल आया था उसमें भी मैं यही कहूँगा कि इस लड़ाई में बीजेपी के खिलाफ जो भी मजबूत दल है, अगर वो समझते हैं कि ये लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ सकती है और समाजवादी पार्टी का वर्कर जमीन पर है, तो कम से कम हमारा सहयोग करें, मदद करें। और जहाँ तक सवाल चुनाव का है, बहुत जल्दी नाम हो जाएंगे घोषित। हालांकि बजट पढ़ा मैंने, देखा बड़ा अच्छा लगा कि अल्पसंख्यक और मुसलमान भाइयों के लिए भी बहुत बजट रखा है सरकार ने। कम से कम अब हमें ये नहीं कह पाएंगे कि सेकुलर आप ही हो, अच्छा हुआ कि बीजेपी भी सेकुलर बन गई। बीजेपी ये कहती थी सेकुलर पार्टियां हैं, खुश करने के लिए, संतुष्टि के लिए ये बजट दे रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि बीजेपी ने भी अल्पसंख्यकों का उतना बजट नहीं रखा जितना हम रखते थे, लेकिन थोड़ा बहुत तो बजट रखा है। भाई जो 4 साल में कुछ नहीं मिला अब क्या मिलेगा, और फिर दिखाने के लिए क्या है। मेरा ये मानना है
कि जो इन्वेस्टमेंट आए वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आए। हमें खुशी होगी इस बात की कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसी पर आए और जो पूर्वांचल वाली सड़क बने उस पर आए, क्योंकि यही है जो इन्वेस्टमेंट लाएगी, हमारे प्रदेश की इकोनॉमी को बेहतर करेगी, हमारे प्रदेश के लोगों को जो नौजवान हैं उन्हें नौकरी और रोज़गार, ये सड़क देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ इस सरकार को पूर्वांचल तक सड़क बनाना चाहिए, केंद्र से और पैसा मांगना चाहिए। अब तो प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है। तो अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो 10,000 करोड़ नहीं, इकट्ठा पैसा ले लो। अब जितना एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के बनने में खर्चा हो उतना पूरा पैसा ले लेना चाहिए केंद्र सरकार से, अगर चाहते हैं ये एक्सप्रेसवे बनाना, तो वरना एक्सप्रेसवे नहीं बन पाएगा। अब भाई ऐसा है, कल भी प्रेस है, कल भी आपको हम तकलीफ देंगे। और रुक जाइए यहाँ, इनका भी तो बहुत दिनों बाद पूछ रहे हैं। तो आज से हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, आज से नहीं बोलेंगे हम भी, आज से केवल हम विकास की आपसे बात किया करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, मेट्रो, इन्हीं पे बात करेंगे। कोई गठबंधन इस तरह की हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हाँ, बैंकों का कुछ सुझाव दोगे तो हम जरूर आपका सुना करेंगे। भाई आप लोग भी चिट्ठी लिख करके किसी बैंक में चले जाओ तो हमारा आपका भी भला हो जाए। चलिए बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे हम और आप। तो वहाँ चलना पड़ेगा बाहर। लगा दो, ये फोटो हो जाएगी सबकी। आओ कैप लगा के फोटो आ जाएगी। प्रमोद आ जाओ। अभी बाद में मिलेंगे हम सब। आइए आ जाओ। ये सब लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं वही लोग आए, और लोग नहीं। सिक्योरिटी आ जाओ, नहीं आ जाओ, प्लीज आ जाओ। हम बुला रहे हैं। ठीक है, क्या हाल है भाई? अभी मिल गया। हाँ ठीक है।